और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने आतंकी मसूद अजहर पर चीन की चाल के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर वार किया तो बीजेपी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जब भारत को पीड़ा होती है तो आपको खुशी क्यों होती है। राहुल गांधी से सवाल पूछा उन्होंने। आतंकवादी को लेकर चीन की पुरानी नीति पर राहुल गांधी खुश हैं और उनके ट्वीट पर पाकिस्तान में ताली बजती है। राहुल के ट्वीट जैशे मोहम्मद के दफ्तर में पढ़े जाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस कहां खड़ी है, ये सवाल खड़ा होता है और ये बड़ा सवाल है और ये सवाल रविशंकर प्रसाद ने पूछा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कमजोर मोदी चीन के राष्ट्रपति से डर गए हैं और गुजरात में जिनपिंग के साथ पीएम झूला झूलते हैं लेकिन मसूद पर एक शब्द नहीं निकलता। राहुल गांधी ने जैसे ही ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन के मसले को लेकर सवाल उठाए, बीजेपी ने पलटवार करते हुए कई सवाल राहुल गांधी पर दागे और पूछा कि आपको विदेश नीति के बारे में आखिर क्या जानकारी है। राहुल गांधी का ट्वीट हमने देखा है और मैं उसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। वीक मोदी इज स्केयर्ड ऑफ शी, नॉट ए वर्ड कम्स आउट ऑफ हिज माउथ When China acts against India. क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? क्या हो गया राहुल गांधी जी आपको? व्हाट हैज हैपेंड टू यू राहुल गांधी? आई नो योर ट्वीट मस्ट बी हेडलाइन न्यूज इन पाकिस्तान। आजकल आपको पाकिस्तान की मीडिया में और टीवी में अपने ट्वीट और अपने कमेंट को देखकर बहुत खुशी होती है, अभी तो आपका विषय है। अगर राहुल गांधी भारत के आतंकवाद की लड़ाई में अपने संबंधों का सदुपयोग करके चीन को संभालते तो हमें भी अच्छा लगता। तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे आप? राहुल गांधी, ट्विटर से देश की विदेश नीति नहीं चलती। राहुल गांधी जी, ट्विटर फॉरेन पॉलिसी इज ए सीरियस एंड सेंसिटिव सब्जेक्ट, इट इज नॉट डिटरमिन्ड बाय ट्वीटिंग। चीन की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। और राहुल गांधी जी, आप तो विरासत के कारण वहां पर हैं, तो आपके विरासत की भूमिका क्या रही है, चर्चा इस पर भी होगी और बात बहुत खुलेगी। राहुल गांधी जी, शशि थरूर तो आपकी पार्टी के एमपी हैं, भारत के पार्लियामेंट के फॉरेन अफेयर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं और वो भी ट्वीट खूब करते हैं, तो उन्होंने आपकी विरासत के बारे में बताया कि चीन सिक्योरिटी काउंसिल में पहुंचा है आपके परिवार के प्रयास के कारण, इस पर क्या जवाब देना है आपको? तो राहुल गांधी, जब इस तरह के आप विदेश नीति पर ट्वीट करते हैं तो थोड़ा सा आगे पीछे देखकर चलना चाहिए। और मैं बिहार का हूं, संजय भी बिहार का है, तो बिहारी भाषा में थोड़ा मैं हल्का आज एक टिप्पणी करूंगा, हचका बचाकर चलना चाहिए। प्लीज सी वेदर देर आर पिटफॉल्स इन द कोर्स यू आर टेकिंग मिस्टर राहुल गांधी। तो ये तो आपके एक बड़े पार्टी के भारी भरकम नेता ने अपनी किताब में कहा है, और क्या कहा है फिर मैं कहूंगा। इन हिज लेटेस्ट बुक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, मिस्टर थरू राइट्स दैट इंडियन डिप्लोमैट्स हु हैव सीन फाइल्स स्वीयर दैट, तो भारत के विदेश विभाग के वरीय पदाधिकारी जिन्होंने फाइल देखी है वो शपथ पर कहते हैं कि नेहरू जी ने सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर की थी, क्योंकि ताइवान उसके लिए ऊपर। हम अपनी पीड़ा का इजहार करना चाहते, इसको आप दे देंगे सबों को।
अपनी पीड़ा का हम इजहार करना चाहते हैं आज। क्या राहुल गांधी जी आपको क्या हो गया है? आप सिर्फ दो दिन सरकार के साथ खड़े रहे, सिर्फ दो दिन, बाद में आपने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, फिर आपके नेता सबूत मांग रहे थे तो आप सबूत पर भी खामोश रहे, मतलब आप भी उनके स्वर में स्वर मिला रहे हैं। और तीसरा, इतना एविडेंस अब आज पब्लिक डोमेन में है, और आज मैं पार्टी के मंच से देश के टीवी चैनल्स का अभिनंदन करना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने पूरे एविडेंस को देश के सामने रखा है। मैं वेरी प्राउड ऑफ ऑल द टेलीविजन चैनल्स कि जिस तरह से देश के सामने पूरा विषय आया है। अब हमें तो ये भी सुनने में आया है, देखा हमने कि एक चल रहा है वीडियो जिसमें पाकिस्तान के ही लोगों ने दिखाया है कि किस तरह से 200 लोग मरे हैं, रो रहे हैं, और पाकिस्तान के सेना के प्रधान लोग उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी आपको क्या हो गया है? मैं आज इसको मैं बहुत पीड़ा से पूछ रहा हूं। राहुल गांधी, आपको पता है कि आपके ट्वीट आज जैश ए मोहम्मद के दफ्तर में बड़े चाव से पढ़े जाएंगे, बताए जाएंगे और दिखाए जाएंगे। आज मुझे बहुत पीड़ा से कहना पड़ रहा है कि बिकॉज इज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, तो आतंकवाद की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी कितनी गंभीर है, आज उस पर सवाल उठेगा। आई रिग्रेट टू से विथ ग्रेट डिग्री ऑफ एगोनी टुडे दैट व्हाट इज द कांग्रेस कमिटमेंट इन द फाइट अगेंस्ट टेरर टुडे इज बिकमिंग सस्पेक्ट। मित्रों, मैं इसकी पूरी भर्त्सना करता हूं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर क्या ट्वीट किया था। राहुल गांधी ने ये कहा था दरअसल कि कमजोर मोदी चीन के राष्ट्रपति से डर गए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। साथ ही तंज कसते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि गुजरात में जिनपिंग के साथ पीएम झूला झूलते हैं और जब बोलने की बारी आई तो उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। चीन में शी जिनपिंग के सामने उनका सर झुक जाता है और वो कह रहे थे, उन्होंने कहा कि गुजरात में वो उनके साथ झूला झूलते हैं, लेकिन अब वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे। तो इस तरह से तीन पॉइंट्स अपने ट्वीट में मेंशन किए राहुल गांधी ने, जिसका एक एक कर पीछे